बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को बहुत सी खुशियाँ नसीब करे। जी तो भी आज हम पहुँचे हैं इस गांव के अंदर, इस अम्मा जी और इस अब्बा जी के पास। बहुत ही मुश्किल से बहुत ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये, जो कि हमारे पीछे बाबा जी देख रहे हैं। ये माजूर भी हैं। ये इन्होंने बताया है कि मैं रात के वक्त उठ रहा था और मुझे पता नहीं चला कि मैं गिर गया। मेरी गिरने की वजह से मेरी जो दाई टांग है वो टूट गई थी। अब जो है ना, हम बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। और ये बता रहे थे कि हमारा कोई बेटा भी नहीं है, ना ही बेटी है जो कि हमारी कर सके इस बुढ़ापे में। आप खुद ही जानते होंगे जब इंसान पर बुढ़ापा आता है तो कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारता है। बाकी के हालात हम अम्मा जी और इस बाबा जी से पूछते हैं, आएँ तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अबा जी क्या हाल है। बेस है, ठीक है। अबा जी तुसें मुश्किल क्या दे दे पावे घर दे अंदर, क्या मुश्किल है तुहाकू। या मुश्किल है को, या मुश्किल है फौज जी ये देखो ताके इने देखो तो देखो ताके देखो मन खास होगा खास राठ है करो हम सारा दी दादा सारा पर बोल बार बार बहुत अभी थे ठीक तो समझ में ठीक है। अच्छा ये क्या थी याद आगो मैं डक था डक है रात 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 के वो मुझे बात कर आठ के जी ठीक है। मैं कुछ वो होते हैं मांग के पैसा करा दे, कोई पैसा कौन का ना हक कम था चल में जो हूं तो नहीं ये भी बोल वो सुना लो पैसे दे। मतलब थोड़ी औलाद वगैरह का नहीं है जो काल करा रखा। जी तो एक बार आपने सुना होगा इस बाबा जी का मकान लूट रखा पड़ मकान हाल हो मकान वो आपका था जो गिर चुका है। वो मकान देख रहे हैं, ये बाबा जी बता रहे हैं कि हमारा ही मकान था जो का गिर गया है, लेकिन इसके बावजूद ये इसमें हमने बाद में ये वाला मकान बनवाया है। ये भी दूसरे मतलब हमसायों ने जो कि इमदाद दी थी जिस वजह से ये मकान बनाया है। इस अम्मा जी से पूछते हैं कि वो जिंदगी कैसे गुजार रही हैं इस मुश्किल के हालात में, क्या इनको मुश्किलात दरपेश हैं और कौन कौन सी परेशानियां इनको। अम्मा जी आप ये बताएं कि आपके घर में राशन है। सारे घर राशन क्या नहीं तो साथ ही में गुजारा कर रहे थे राशन कम था ठीक। मतलब आटा पेन मंगनी आ गई पता था ये बस एक तुझे मुझे आटा मतलब मांगते हैं दूसरे घर वालों से। मतलब आपका जो है ना कोई बेटा बेटी आए कोई बेटा बेटी भी नहीं है, मतलब आपका कमाने वाला कोई नहीं है। ठीक तो आप ये बताएं कि आपको जो हमारे बहन भाई देख रहे हैं, अगर राशन दें कोई मकान वगैरह के पैसे दें तो आप उनके लिए दुआएं करेंगे। ठीक तो इंशाल्लाह वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे, आप उनको दुआएं दें। तो एक बार आपने सुना होगा इस अम्मा जी और बाबा जी का हाल कि इन्होंने बताया है कि हमारे घर का राशन भी नहीं है, हम दूसरे घर वालों से लेते हैं जो कि हमारे हमसाए हैं उनसे लेते हैं, वो कभी देते हैं तो कभी नहीं देते, कभी ऐसे ही सो जाते हैं तो कभी खा लेते हैं। मतलब कि इनके घर के ये हालात हैं कि इनका एक मकान गिरा तो इन्होंने दूसरा जो मकान है वो भी हमसायों ने जो कि इमदाद की थी और उन्होंने ये मकान भी बनवा दिया और इसके साथ जो देख सकते हैं छपरनुमा बना हुआ है वो भी इन्होंने बना दिया। अगर आप में से कोई भाई साहिब इस्तात है इस बूढ़े माँ बाप की डिसेबल बाबा की मदद करना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। तो अगर आप में से कोई बहन भाई साहब इस्तात है इनकी मदद करना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकता है और इंशाल्लाह ये आपको दुआएं देते रहेंगे सारी ज़िंदगी के लिए। तो तब तक दीजिए हमें इजाज़त एक नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।